असल हलो वर्स वेलकम बैक टू माई चैनल नूरे खान आई होप यूर रोल हैविंग एन अमेज़िंग डे सो गुडे आई एम गुना शेयर विद यू वेरी वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट जो कि मैंने अभी अभी खरीद दिया है और इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी सो so, इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ और अब जो है वो मैं आपके साथ यूज़ करूँगी ताकि आपको दिखाऊँ कि ये कितनी अमेजिंग प्रोडक्ट है अच्छा जो आप मेरी दूसरी आईज पे मस्कारा देख रहे हैं लगा हुआ ये मैंने लगाया है लैश प्रिंसेस मस्कारा इसका मैं रिव्यू अपनी पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में जा देख सकते हैं तो गैस मैंने अपनी राइट आई पे प्रिंसेस लैश मस्कारा लगाया है ये बहुत ही अच्छा मेरा मोस्ट फेवर मस्कारा है अब जो दूसरी आई है उसके ऊपर मैं ये वाला मस्कारा लगाऊँगी सो so गैस जैसे स्लैश प्रिंसेस कल्टेड वॉल्यूम मस्कारा दे हैव अदर टू मस्काराज लाइक ग्रीन वन और एक ऑरेंज वाला है जिसका ऑरेंज कलर है मैं आपको ग्रीन वाला दिखा चुकी हूँ जो कि लास्ट प्रिंसेस मस्कारा है उसका रिव्यू भी दे चुकी हूँ अगर आपने देखना हो तो आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं उधर आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं सो गाइज अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग इसकी बहुत ही अच्छी है बहुत अमेजिंग पैकेजिंग है और अब काम में ही कैसा है मैं आपको बाद में बताती हूँ एप्लीकेशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा वर्क करता है आपकी आइज़ को लेंथन करता भी है कि नहीं तो ये आपको एप्लीकेशन के बाद पता चलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेजिंग इसकी बहुत ज़्यादा कमाल की है बहुत खूबसूरत पैकेजिंग है लाइक जैसा प्रिंसेस लैश मस्कारी की पैकेजिंग है ग्रीन की वैसे ही सेम इसकी सो so, अब फ़र्क जो है वो इसके अंदर होना चाहिए क्योंकि जो लैश प्रिंसेस मस्कारा है उसका तो मैं विज़िबल डिफरेंस आपको दिखा चुकी हूँ अब इस ये क्या करता है आई लैश को यह हमने फर्क देखना है ठीक है सो आज जो है वो डिफरेंस आपको दोनों का पता चल जाएगा सो गाइस देख लें कि ये आपकी आईज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल वॉल्यूम देता है आपकी आई लैश को फैंड आउट करता है और आपकी आई लैशज़ को थिक और फुलस करता है तो अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन के बाद ये सब कुछ चेक करता भी है कि नहीं सो so गाइस मैंने अपनी पिछली वीडियो में लैश प्रिंसेस मस्कारा अपनी लेफ़्ट आई पर लगाया था अब मैं राइट आई पर जो है वो ये स्कल्ट्रेड वॉल्यूम मस्कारा दिखाऊँगी और आप दोनों को डिफरेंस भी पता आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है ठीक है जब आई पे एक आँख पे प्रिंसेस लैश मस्कारा लगाते हो दूसरी आंख पे ये वाला मस्कारा लगाते हो जो कि पर्पल वन है तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है ये भी आज आपको पता चल जाएगा सो so गाइस इसका ब्रेश लैश लैशमस से थोड़ा सा डिफरेंट है उसका कौन शेप था ये है कर्व्ड ठीक है आ, ये कर्व्ड वॉन्ट है इसका ताकि जब आप एप्लीकेशन करें तो पूरे फुल फुल आपकी आई लैशेज़ जो हैं वो कर्व हो जाए और इसका मकसद ही यही है कि आपकी आई लैशेज़ को कर्ल करना ठीक है आ, बेसिकली ये कर्व शेप इन्होंने इसलिए भी बनाया है क्योंकि आपकी आई लैश के जो हेयर होते हैं उसके अंदर तक आपकी जो है वो जाके आपकी आई लैश को लंबा करता है ठीक है और आ, आपकी आई लैशज़ को एक वोल्यूमाइज़ लुक देता है लेंथन आप करता है सो so, इसका बॉन्ड मुझे बहुत अच्छा लगा है सो दिस ब्रश हैज़ लाइट कर्व जिससे आपकी आई लैशेज़ वोल्यूमाइज़ होंगी लंबी होंगी और खूबसूरत हो जाएंगी सो so, अब जो है वो हमने इसकी पैकेजिंग की बात कर ली प्राइस मैंने आपको बता दी अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फॉर मी और आप लोगों के लिए भी और आप काफ़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे कि इसकी एप्लीकेशन कब करूँगी मैं सो so, So let's begin. गाइस इस मस्कारा इज़ फॉर दोज़ पीपल जिनकी ड्रूपी uh, आई लैशेज़ होती हैं जिनकी डाउनवर्ड आई आई लैशेज़ होती हैं जो कि मेरी हैं मुझे uh, कर्ल करना बहुत ज़रूरी लगता है अपने आई लैशज़ को क्योंकि जो मेरी आई लैशेज़ हैं वो ड्रूपी हैं तो अगर आपकी भी मेरी तरह आई लैशेज़ हैं नीचे को गिरी हुई हैं तो uh, ये मस्कारा क्योंकि कर्लिंग मस्कारा है तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी आई लैशज़ को कर्ल करने में सो so, अब मैं अप्लीकेशन कर रही हूँ मैंने एक कोट कर लिया है मैं दूसरा कोट कर रही हूँ सो गायस मुझे इसका ब्रश बहुत अच्छा लगा है क्योंकि ये आपके अंदर से जो है वो बालों को लंबा और कर्व करता है और हेल्प करता है आपके आई लैशेज़ को कर्ल होने में जल्दी ठीक है जो कि अदरवाइज़ जो कि दूसरे मस्कारे में यूज़ कर चुकी हूँ उसमें ऐसा नहीं होता का जो है वो ब्रश नहीं होता जिसकी वजह से मेरी आई लैशज़ ड्रूपी की ड्रूपी रहती हैं वो मतलब डाउनवर्ड ही रहती हैं उसकी एकदम पोजीशन कर्ल नहीं होती तो जो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि इसके इस्तेमाल से आपकी लैशेस बहुत अच्छे से कर्ल हो जाती है क्योंकि इसका वॉर्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यू कैन सी मैंने अपनी लेफ़्ट आई पे प्रिंसेस लैश मस्कारा लगाया है और अपनी जो राइट आई है उधर मैंने लगाया है प्रिंसेस कलप्रेट वॉल्यूम मस्कारा तो गाइज दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं एक आंख और दूसरी आंख का डिफरेंस देख सकते हैं आई एम नॉट फीलिंग टू मच डिफरेंस लेकिन जो आ, मुझे अच्छा लग रही है वो मेरी लेफ्ट आई है जहाँ पर मैंने वॉल्यूम वोल्यूमस्कारा लगाया है क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे इस तरह फील आ रही है कि इसने मेरी आई लैशज को ज़्यादा अच्छे से कर्ल किया है बनस्पत उसके प्रिंसेस लैश मस्कारा की तो जो प्रिंसेस लैश मस्कारा है वो बहुत ही ज़्यादा आपको आपकी आई लैश को इतना कर्ल करने में हेल्प नहीं करता आपकी ये जो आ, ये जो स्कल्पटेड मस्कारा है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी आई लैशिज़ को कर्ल करने में सो so, ये मैंने बात नोटिस की है दोनों में डिफरेंस ये मैंने फ़ील किया है इट रियली लेंथन माई आइज और इट गिव्स यू सुपर नेचुरल लेंथ और बहुत ही ज़्यादा सेपरेट कर देता है आपकी आई लैशिज़ को बहुत ही प्यारा प्रिंसेस लुक देता है एंड अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस मस्कारा इज़ दैट इट ड्राइज प्रिटी फास्ट जो कि बहुत ही अच्छी बात आते हैं आप जब इसको लगाते हो कि बहुत ज़्यादा टू मच टाइम नहीं लेता ड्राई uh, आउट होने में बहुत जल्दी से आसानी से आपकी आई लैश पर ड्राई हो जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है अक्सर शादी पर जाने वक्त जो है जब मैं पूरा मेकअप कर लेती थी उसके बाद जब मुझे मस्कारा लगाना होता था तो मेरी पूरी आई लैशेज़ पर फैल जाता था ये बिल्कुल ऐसा मस्कारा नहीं है क्योंकि ये ड्राई प्रीटी फास्ट बहुत जल्दी से ड्राई हो जाता है और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता है इसको ड्राई करने के लिए जो कि बहुत ही अच्छी बात है सो गैज़ आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मस्कारास जो जो प्रिंसेस लैश मस्कारा है वो उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके वो रेडी कर्लडी आइज हैं उनको ज़्यादा आई लैश करने की ज़रूरत नहीं है कर्ल करने की ज़रूरत नहीं है और ये जो स्कर्पेड वाला है ना स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी आई लैशेज़ बहुत डूपी हैं डाउनवर्ड हैं तो लाइक भी मेरी आई लैशज़ बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड डायरेक्शन में गई हुई हैं जिसकी वजह से मुझे इनको बहुत ज़्यादा कर्ल करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये स्कल्पेड आई लैशे मस्कारा उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी डूपी आई लैश ई होप के आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स एप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इनशाला